वहीं फूड पॉइजनिंग की वजह से और पैर में घाव हो जाने की वजह से चलने फिरने में असमर्थ गौवंश का उपचार कर बजरंग दल के जिला सह संयोजक दीपक यादव ने उसे स्वस्थ किया है। इस कार्य में गौ सेवा प्रभु सेवा समिति के सदस्यों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। बजरंग दल के जिला सह संयोजक और गौ सेवा प्रभु सेवा समिति के पदाधिकारी दीपक यादव को हाउसिंग बोर्ड में एक गौवंश के फूड पॉइजनिंग का शिकार होने की जानकारी मिली थी। मौके पर दीपक यादव अपनी टीम के साथ पहुंचे और अपने पास मौजूद संसाधनों की मदद से बीमार गौवंश का उपचार किया। साथ ही गौवंश के पैर में हुए घाव का इलाज कर उसे स्वस्थ भी किया गया और दूध पिलाया गया। हाउसिंग बोर्ड निवासी श्रीराम गुप्ता और दीपक यादव ने गौवंश के उपचार को लेकर जानकारी दी। मैं श्रीराम गुप्ता हाउसिंग बोर्ड निवासी। सवेरे देखा कि एक नंदी पड़े हुए थे हाउसिंग बोर्ड में, जिसकी सूचना हमारे दीपक बजरंगी जी को और मंजू सिंह को पता चला। उन्होंने अपनी टीम के साथ में आकर तुरंत उसका इलाज किया और 10 मिनट में वो नंदी जी खड़े हो गए। मैं अपने तरफ से दीपक जी और मंजू जी को एवं उनके समस्त टीमों को इतना अच्छे काम करने के लिए अपने दिल से बधाई देता हूँ। और ऐसे ही कोई हमारे तरफ से सहयोग हुआ तो जरूर बताएं, हम जरूर सहायता करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता। मैं दीपक यादव बजरंग दल भिलाई। आज सुबह जानकारी मिला कि नंदी महाराज फूड पॉइजन के शिकार हो गए थे तथा जमीन पर लेटे हुए थे। मौके पर पहुँच कर नंदी महाराज को उपचार किया गया तथा उस नंदी महाराज का पिछले कुछ दिनों से उपचार कर रहे हैं। नंदी महाराज के पैर में घाव भी हो गया है। हमारी टीम के सभी सदस्य मिलकर नंदी महाराज को उपचार कर रहे हैं और आज के सेवा कार्य में श्रीमती मंजू सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, श्री राम गुप्ता जी, कामेश्वर पांडे जी तथा हमारे टीम के सभी सदस्य उपस्थित रहे। जय श्री राम। गौरतलब है कि दीपक यादव द्वारा गौ सेवा प्रभु सेवा समिति का गठन गौ सेवा के उद्देश्य से किया गया है। समिति के पदाधिकारी गौवंश के घायल अथवा बीमार होने की सूचना पर मौके पर पहुंच उसका उपचार करते हैं और गौवंश को निगरानी में लिया जाता है। इस कार्य में समिति की मंजू सिंह द्वारा भी अहम भूमिका निभाई जाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।